बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशीनिस्ट के साथ मैं हूँ फिजा कवर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्वेटा में ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। ईद मिलादुन्नबी का आगाज क्वेटा कैंट में पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी से हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गईं। बलूचिस्तान में पंजाब और सिंध से गंदम के बीज ना पहुंचने की वजह से काश्तकार बुवाई के मौसम में गंदम नहीं लगा पा रहे। अगर पाबंदी बरकरार रही तो सुबह आइंदा साल गंदम की फसल का टारगेट हासिल करने में नाकाम रहेगा। वजीर आला के मशीर बराए मेहनत इफरादी कुव्वत मोहम्मद खान लहरी। वफाकी मोहतसिब की जानिब से जेल स्टाफ के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद। जेल स्टाफ की ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि उनका रोजमर्रा का ताल्लुक कैदी से होता है और ये ट्रेनिंग एक कैदी को अच्छा इंसान बनाने में मददगार साबित होगा। विभाग के मोहतसिब इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रानिया एहसान। गद्दारी के सर्टिफिकेट थमाने वाले हुक्मरान मुल्क को मजीद खतरात की जानिब धकेल रहे हैं। सेलेक्टेड हुकूमत PDM की कामयाब तहरीक और अपनी नाअहली और नाकामियों के बायस खुद जमीन बोस हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर रुकन कौमी असेंबली मौलाना अब्दुल वासे। नान बयान एसोसिएशन ने 2 नवंबर 12 बजे तक मुतालबात हल न होने की सूरत में वजीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। 300 ग्राम रोटी 25 रुपए पर इतफाक किया गया, मगर अब जिले इंतजामिया की जानिब से मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। नान बयान एसोसिएशन। कोयटा में अंडे फी दर्जन 200 रुपए से कम न हो सके, शहरियों ने आज से अंडों का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद शहर में अंडे 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद अंडे खाने से कासिर है। अंडों की कीमत में कमी न आने के बाद अंडों की खरीदारी का बायकॉट करने की अपील की गई है। स्पोर्ट्स एंड यूथ राइट सोसाइटी का क़याम अमल में आ गया। कबायली और समाजी रहनुमा नवाबजादा मीर हारून खान रईसानी सदर मुंतखब हुए। शमसा कंवल खवातीन विंग की सदर और फिजा कंवल खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गई। सोसाइटी के सिलसिले में पहली मीटिंग का बाकायदा एहतमाम ऑफिसर्स क्लब क्वेटा में मुनक्किद हुआ। बलूचिस्तान स्क्वाश एसोसिएशन के जरिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने शिरकत की। आइए मजीद जानते हैं सैयद शाज़िब शाह की इस रिपोर्ट में। स्कॉश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आल पाकिस्तान सैटेलाइट स्कॉश चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। चैम्पियनशिप के इनेकाद के मकासद बलूचिस्तान में स्कॉश के खेल को प्रमोट करना था। तकरीब में पाकिस्तान भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अख्तितामी तकरीब का इनेकाद बलूचिस्तान के अयूब स्टेडियम में हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी मुशीर खेल अमूल नौजवान अब्दुल खालिक हज़ारा और दीगर थे। मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स जिस तरह मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स को तरक्की मिले, स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो, और सेम टू सेम जो है जाम साहब भी यही चाहता है, और इसलिए जो है मतलब मैंने पहले भी कहा है कि भई हर सूरत में मुझे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। अगर ये डिपार्टमेंट मेरे साथ है तो मैं इनकी प्रमोशन के लिए मतलब दिन रात मेहनत करता हूँ। तो अभी इवेंट्स हो रहे हैं जाम कमाल खान साहब के नाम पर। आल पाकिस्तान जो है मतलब प्लेयर्स आए हुए हैं, बहुत सारे टीम्स आए हुए हैं, 400 से ज़्यादा बंदे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। इवेंट्स जारी है, लेकिन हमारे जो उसमें था फंड्स की रिलीज थी वो अभी तक उसमें जो है मतलब रोड़े अटकाए जा रहे हैं कहीं से जो है, तो उसको जो है किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जान साहब से कंप्लेंट किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मसला है। मुझे मालूम नहीं है, मैं तनकीद होना चाहिए, अगर मुझ पर तनकीद होता है मुझ में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। अगर कोई मुस्बत तनकीद हो रहा है मुझे जो है मतलब मज़ीद अच्छे सजेशन या मशवरे आएँगे तो वो मेरे लिए वो तनकीद जो है फलाह होगा, वो तो इसलाह होगा। वो तो अच्छी बात है, लोग आए लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन लोग अगर किसी और हवाले से अगर उन्होंने वो इतना डिमांड कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे या जितना उनको तवक्कुआत है, तो वो दूसरी बात है, वो तो फिर तनकीद ना हुई। अगर तनकीदी सवाले से है कि मैंने इसकी प्रमोशन के लिए, यूथ की प्रमोशन के लिए और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए मुझे क्या क्या करना मजीद करना चाहिए, वो आए अपनी राय दे दे, अपनी सजेशन रखे, मैं उस पर यकीनी तौर पर जो है उनकी राय का एहतराम करूँगा। देखिए ये हमसे पहले हुआ है, बहुत सारी गन तो है अब भी है, मतलब पैरेलल जो है बॉडी बनाया गया है, मतलब हर एक ने कोशिश की है कि मतलब वो फंड्स को जो है मतलब
ले जाए या कोई अपना जो है मतलब अपनी नमू की नुमाइश के लिए जो है मतलब बहुत सारी इस तरह है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जो है मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन से भी वो राय ले लें, मालूमात करें कि जेन्युइन बॉडी कौन सा है कौन सा नहीं है। वहाँ पे भी तो आप फिर भी स्पोर्ट्स है, जहाँ पे स्पोर्ट्स है वहाँ पॉलिटिक्स है। यकीनन ये हमारे लिए बलूचिस्तान में जो हमने इवेंट करवाया बहुत बड़ा इवेंट है। PSA का इवेंट इससे पहले सिर्फ अलाउ था इस्लामाबाद और कराची में, क्वेटा में लाहौर में बिल्कुल अलाउ नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जब ये एक चीज़ शुरू की है तो आप देखिएगा कि हमारा नेक्स्ट जो मिनिस्टर साहब ने हमसे प्रॉमिस भी किए एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह नेशनल इवेंट हम करवाएंगे और उसको भी हम PSA से ही रजिस्टर करवाएंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें वाइल्ड कार्ड लेके जो हमारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं हम उनको इंटरटेन करें। हमारे है टैलेंटेड प्लेयर हमारे बहुत हैं माशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि बलूचिस्तान जैसे माजी में स्क्वाश में हम खुद कफील थे, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी देखेंगे कि हमारे पास अच्छे टैलेंटेड बच्चे आएंगे। खिलाड़ियों का भी कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद मुस्तकबिल में भी होना चाहिए, इससे इनका टैलेंट और सामने आएगा और इनको मौके भी फराम होंगे। सेटेलाइट टूर्नामेंट में पहले आपने मैच खेला है तो मैं मिनिस्टर स्पोर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपने प्रेसिडेंट स्क्वाश अरशद अंकल का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे PSA की मेंबरशिप दिलवाने का वादा किया है। तो अगर मुझे PSA की मेंबरशिप मिल जाएगी तो मैं इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। बलूचिस्तान सेटेलाइट स्क्वाश चैम्पियनशिप का फाइनल नासिर इकबाल और शौकत के बीच खेला गया जिसमें नासिर इकबाल ने कामयाबी हासिल की। तकरीब के अख्ताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ सैयद शाहजेब शाह, मशरिक HD, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।